नमस्कार, पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार देख रहे हैं आप। मैं हूं अंकुर यादव। सागर जिले के सेमरिया गांव में हुई एक घटना के कारण पूरे मध्य प्रदेश में ब्राह्मण समाज ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग कर रहा है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सीबीआई जांच का ऐलान कर चुके हैं। सागर के सेमरिया इलाके में पिछले दिनों एक युवक की मौत एक लड़की के घर में हो गई थी। इस मामले में लड़की भी झुलस गई थी और लड़का भी झुलस के मरा था। मरने वाले युवक के परिजनों के मुताबिक जो रिपोर्ट दर्ज कराई उसमें लड़की के कई परिवार वालों के नाम शामिल थे और लड़की ब्राह्मण पक्ष से थी और इसी बात को लेकर ब्राह्मण समाज नाराज है। इस मामले में ब्राह्मण समाज का कहना है कि लड़के ने खुद घर में आकर लड़की को आग लगाने की कोशिश की थी और इस हादसे में वो खुद जल गया। बहरहाल अब इस पूरे मामले की जांच सीबीआई करेगी, लेकिन ब्राह्मण समाज के लोगों ने मुरैना में ज्ञापन सौंप कर भी कार्रवाई की मांग की है। एक ब्राह्मण बिटिया के साथ जघन्य घटनाक्रम को जन्म दिया एक युवा ने। एक युवा आता है, ब्राह्मण बिटिया के घर पर पहुंचता है, उसका दरवाजा खटखटाता है। जब बिटिया घर से दरवाजे पर निकल कर आती है तो उस पर पेट्रोल डालकर आग लगा देता है। बिटिया लगभग 70-80% जल चुकी है। उसको सागर से भोपाल रेफर कर दिया गया है। इस समय भोपाल के हॉस्पिटल में जीवन और मौत के बीच में संघर्ष कर रही है। इस घटना को लेकर मुरैना के ब्राह्मण समाज के द्वारा आज यह ज्ञापन मुरैना के कलेक्टर महोदय को सौंपा गया है। इनके माध्यम से हम मध्य प्रदेश के महामहिम राज्यपाल से अपील करते हैं कि उस बिटिया के परिवार को न्याय मिले, जो झूठा अपराध दर्ज किया है उस अपराध को वापस ले और उसका जो मकान तोड़ा गया है उस मकान का भी निर्माण करने का कार्य मध्य प्रदेश की सरकार करे। यही मांग हम आपके माध्यम से, पत्रकार भाइयों के माध्यम से, मुरैना के प्रशासन के माध्यम से मध्य प्रदेश के महामहिम राज्यपाल से करना चाहते हैं। हम लोग ज्ञापन के तौर पे यहाँ देने आए हैं एडीएम महोदय, कलेक्टर महोदय को। जिस तरीके से सागर जिले में हमारे मध्य प्रदेश में घटना घटी है, निश्चित तौर पर यह बहुत ही निंदनीय है। ये घटना चाहे सागर हो, मुरैना हो या कोई भी जिला हो प्रदेश का या देश का, ये वाकई में बहुत ही गंभीर अपराध है और इसके विरुद्ध मुख्यमंत्री जी को, राज्यपाल जी को इस पर संज्ञान लेना चाहिए और ऐसे ठोस कदम उठाने चाहिए कि अपराधी अपराध करने से पहले थर थर कांपने चाहिए। इस रिपोर्ट में इतना ही। पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आपने अगर अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। फेसबुक पर अगर इस रिपोर्ट को देख रहे थे तो पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें। नमस्कार।